गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए फिर से बहुत ही प्यारा सा और बेहद आसान सा बुनाई डिजाइन लेकर आई हूँ। इसे आप हर प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं। देखिए बहुत ही आसान और फटाफट बनने वाला पैटर्न है फ्रेंड्स। देखिए सिर्फ सीधी उल्टी सिलाई और सीधे उल्टे फंदों का ही डिजाइन है जी। पैटर्न को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे चाहिए, मीन 6-6 फंदों का जोड़। 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे लेकर आपने 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं आज के लिए, तो ये पैटर्न सेट आएगा। बॉर्डर के बाद सीधी साइड से हम अपना ये पैटर्न स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो सीधे की ओर से, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे हम, पहला फंदा हमने यहाँ स्टिच उल्टा बनाया। आप इसे उल्टा बनाए सीधा जा स्किप करें, आपकी मर्जी है, मैंने इसे उल्टा बनाया। अब हम क्या करेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बनाए, एक दो तीन। देखिए तीन फंदों को हमने ऐसे उतार लेना है। इन्हीं 6 फंदों को हम रिपीट करेंगे। इस फंदे को छोड़कर 3 उल्टे बनाने हैं, 3 हमने स्लिप करने हैं। भूल हमारी तरफ ही रहेगी, फिर से पैटर्न स्टार्ट होगा। एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बनाए, 3 को हमने ऐसे ही उतार लिया। लास्ट का फंदा हम ऐसे उल्टा बनाएंगे। फर्स्ट रो हमारी ऐसे बन गई है। अब सेकंड रो बैक साइड से, देखिए जो फंदा हमने इस साइड से देखिए स्लिप किया है, इस साइड से भी वो हमें इनको स्लिप कर लेंगे। 3 फंदे उतारे, भूल को पीछे लेकर गए। देखिए जो 3 उल्टे फंदे हैं, इनको हमने बैक साइड से ऐसे सीधा बनाना है। इन्हीं 6 फंदों को हम रिपीट करेंगे। 3 फंदे हमने स्लिप किए हैं, 3 को सीधा बुने, फिर से भूल आगे लेकर आए। एक दो तीन, जो फंदे देखिए इस साइड से स्लिप हुए हैं, इस साइड भी हम स्लिप करेंगे। 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। एज का फंदा हमने ऐसे उल्टा बनाया। 2 सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। अब हम राइट साइड आ गए डिजाइन की थर्ड रो। देखिए अब हमने क्या करना है, हमारे जितने भी फंदे होंगे हमने ऐसे सीधे सीधे ही बनाने हैं, सीधी सीधी सिलाई के साथ। देखिए हमें ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, सीधा सीधा बुनकर। देखिए थर्ड रो हमने पूरी ऐसे सीधा सीधा बुनकर ही कंप्लीट की है सभी फंदों को। अब हम बैक साइड आगे डिजाइन की फोर्थ रो। फोर्थ रो में हमने क्या करना है, हमारे जितने भी फंदे होंगे हमें ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनकर उन्हें कंप्लीट कर लेंगे पर्ल वाइज। कि ऐसे ही बनाना है उल्टा उल्टा। देखिए पूरी सिलाई हमने ऐसे उल्टे फंदों के साथ बना ली है, हमने 4 सिलाइयां कंप्लीट कर ली हैं। अब हम राइट साइड आगे डिजाइन की फिफ्थ रो। अब ध्यान से देखिएगा क्या करना है। देखिए एक स्टिच फंदा सीधा बुना, 2 3 4 5, 5 फंदे हमने सीधे बना लिए। देखिए ये 3 फंदे हमने स्लिप किए थे, ये मिड वाला फंदा है, इस जो हमने ये लूप छोड़ा था इसे इस फंदे के साथ हमने ऐसे बना लेना है। देखिए ऐसे नीचे से सिलाई निकालेंगे, फिर से 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए फिर से इसे हमने ऐसे सिलाई पर ले लेना है लूप को, इस फंदे को सीधा बुना, इसे हमने इसके ऊपर से ऐसे घिरा देना है। लास्ट में 2 फंदे बच के दोनों को हमने ऐसे सीधा बनाना है। देखिए ऐसे कंप्लीट होगी। अब हम बैक साइड आगे, बैक साइड पर हम पूरी रो को पर्ल वाइज उल्टा ही बनाएंगे। देखिए इसके साथ 6 सिलाइयां हमारी कंप्लीट होती हैं। देखिए पूरी हमने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब हम राइट साइड आ गए। अब हमारा जो पैटर्न की जगह चेंज होगी, जे पैटर्न हम जहां पर रिप्लेस करेंगे जे जहां पर। अब हमने क्या करना है ध्यान से देखिएगा, पहले हमने एक फंदा बुना था, 3 फंदे उल्टे बनाए थे। अब क्या करना है, एक फंदा सीधा, बूल को आगे लेकर आए, 1 2 3। फिर से हमारी ये फर्स्ट रो जहां से रिपीट हो रही है, भूल हमारी आगे ही रहेगी। 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। देखिए अब इन्हीं सिलाइयों को हमने रिपीट करते जाना है, एस के फंदे को छोड़कर 3 फंदे स्लिप करने हैं, 3 फंदे हमने
उल्टे बनाने। फिर से तीन फंदे हमने ऐसे स्लिप किए, तीन फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, लास्ट का फंदा हम सीधा बुनेंगे। देखिए सात सिलाई हमारी कंप्लीट होती है। अब बैक साइड आके बैक साइड से देखिए, जो फंदा जो उल्टा है इसे हमने उल्टा बनाना है। एक फंदा उल्टा, देखिए जे तीन फंदे हमने सीधी साइड से उल्टे बुने हैं, बैक साइड से जे सीधे आएंगे। जैसे हमने अपनी सेकंड रो डाली थी, सॉरी जो फंदा देखिए जे स्लिप किया है, इन तीन फंदों को हमने अब स्लिप करना है। इन्हीं छह फंदों को रिपीट करेंगे। तीन फंदे हमने सीधे बनाने हैं, एक दो तीन, तीन को स्लिप करना है, एक फंदा उल्टा। देखिए अब हम राइट साइड आगे क्या करेंगे, देखिए हमारे जितने भी फंदे होंगे सभी को हम ऐसे सीधा सीधा बुनकर ही कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए पूरी रो हमें ऐसे थर्ड रो की तरह सीधी सीधी बुनेंगे। देखिए अब हम बैक साइड आगे सेम एज इट फोर्थ रो की तरह ही है, जे पूरी रो हमने ऐसे उल्टी उल्टी बनानी है उल्टे फंदों के साथ, ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए बैक साइड से हमने जे पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड आगे फिर से हमारा देखिए पैटर्न डलेगा। आप क्या करना है, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो, दो फंदे सीधे बुने। देखिए जे तीन के बीच का जो फंदा है, जे बीच वाला फंदा, हमने इसे लूप को पहले ऐसे लेना है सिलाई पर, इस फंदे को सीधा बुना, इसको इसके ऊपर से हम निकाल देंगे। फिर से पांच फंदे सीधे, दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमने सीधे बना लिए। फिर से इस लूप को हमने ऐसे सिलाई पर लिया, इस फंदे को सीधा बुना, इस लूप को इसके ऊपर से हमने ऐसे गिरा देना है। लास्ट में हमारे एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे आ जाएंगे। देखिए हमारा जो पैटर्न बनने लगा है। अब हम बैक साइड आगे, बैक साइड पर पूरे के पूरे फंदे हमने ऐसे उल्टा उल्टा बुनकर ही कंप्लीट करने हैं। आपके जितने भी फंदे होंगे आप ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेना। देखिए देखिए हमने पूरी रो बैक साइड से ऐसे बना ली है। इन्हीं सात सॉरी 12 सिलाइयों को हम आगे आगे रिपीट करते जाएंगे। फिर से जो फर्स्ट रो जहां से हमारी रिपीट होगी, हम आगे आगे बनाएंगे तो जो पैटर्न ऐसे बनेगा।